नोट बंद हो जाने के बाद बैंकों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है और वित्त मंत्रालय की तरफ से रोज नई योजनाएं जो हैं लागू की जा रही हैं, और इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वित्त मंत्रालय के एडिशनल डायरेक्टर जनरल देवेंद्र मलिक साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना है आपका, जो है जिस तरीके से लोगों को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने क्या घोषणाएं की हैं ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके? ऐसा है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पहले दिन के भाषण में कहा था कि जब ये लागू किए जाएंगे 500 और 1000 रुपए के नोट मार्केट से डिमोनेटाइज कर दिए जाएंगे, तो इससे कुछ दिक्कतें लोगों को आ सकती हैं शुरू के दिनों में, और इसको दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय ने, आरबीआई ने और दूसरे जो हमारे विभाग हैं वो काफ़ी पोस्टल डिपार्टमेंट है, इन्होंने काफ़ी कदम उठाए हैं ताकि लोगों को कम से कम दिक्कतें हों। तो इस विषय में कल भी प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी, देर रात तक चली, जिसमें काफ़ी माननीय वित्त मंत्री, गृह मंत्री, भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट एंड I&B मिनिस्टर, MOS पावर एंड कोल और उच्च अधिकारी, वित्त मंत्रालय के, RBI के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, ये सब लोग मौजूद थे, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले किए कि कैसे इस समस्या को निदान किया जाए। इसमें एक कदम उठाया कि जो डिपार्टमेंट्स जिनको कहा गया था कि 14 तारीख तक वो पुराने नोट 500 के और 1000 के एक्सेप्ट कर सकते हैं, अब वो तारीख 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। सरकार इसके पूरी समस्या से पूरी तरह से जागरूक है और पूरी तरह से जुटी हुई है कि ये समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो, थोड़ा लोगों का कोऑपरेशन मिले और लोग इस समस्या की स्केल को समझें कि ये इतने बड़े स्केल के ऊपर ये इस कदम उठाया गया है, तो इसको निपटने में थोड़ा समय लग सकता है। सर, अब तक जो है चेक से 10,000 रुपए तक निकाले जा सकते थे, अब कितने रुपए निकाले जा सकेंगे? क्या वित्त मंत्रालय ने आदेश दिए हैं बैंकों को? जहाँ तक चेक का मामला है, चेक से पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। चेक, अगर आपका बैंक में पैसा है, आप चेक के जरिए कितनी भी पेमेंट कर सकते हैं, चेक से आप पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निकलवाने के लिए, जैसे आप कैश विड्रॉल करेंगे बैंक से, उसकी लिमिट उन्होंने जो है बढ़ाई है, हमने जो कल अपना जो प्रेस नोट है 24,000 हमने की है। सर, जिस तरीके से बाजार के अंदर एक पैनिक बन गया है, सब जगह जो है लोग जो है मारा मारी कर रहे हैं पैसे के लिए, तो क्या लगता है आपको कितने दिनों के अंदर ये स्थिति जो है सुधर पाएगी? देखिए, स्थिति हर रोज सुधर रही है, जहाँ तक कुछ क्षेत्रों में आप जो बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह ये मारा मारी है, कई क्षेत्रों में तो समाधान हो चुका है, लोग आराम से पैसा बैंक में जाते हैं, निकलवा लेते हैं, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। हाँ, कुछ एरिया जरूर ऐसे हैं जहाँ से ये शिकायतें आती हैं। हमारे वित्त मंत्रालय के 7 ज्वाइंट सेक्रेटरीज को इस काम के लिए लगाया गया है, उनको हरे 5-5, 6-6 स्टेट्स दिए गए हैं और 5-5, 6-6 बैंक्स दिए गए हैं, वो कंटिन्यूसली चीफ सेक्रेटरीज उन स्टेट्स के और वहाँ उन बैंक्स के CMD से टच में है कि कहीं भी अगर पैसे की समस्या है या कोई दिक्कत है तो तुरंत वहाँ पे RBI के माध्यम से ज़्यादा पैसा पहुँचाया जाए। इस बातचीत के बाद यकीनन यह बात साफ हो जाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब कहीं ना कहीं ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ेगी, और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से, सराहनीय कदम से, जो है लगातार देश अब विकास की ओर बढ़ेगा। कैमरा पर्सन संजीत के साथ अनिल सिंह, APN, दिल्ली।